क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चलाकर हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मेरा आपसे प्रश्न है, कृपया इसका आप जरूर जवाब दें। मैं उम्मीद करता हूँ अक्षय जी क्लियर करें कि ये बुलडोजर आप किस पर चलाना चाहते हैं, क्यों आपने गोरखपुर चुना, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है आपसे अखिलेश। अखिलेश यादव ने बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करने की बात क्या कही? सांसद रवि किशन ने कई सारे सवाल उठा दिए, यही पूछ डाला कि आखिर इस काम के लिए गोरक्षनाथ की पावन धरा ही क्यों? बता दें कि इन दिनों यूपी में बुलडोजर राजनीति जोरों पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद विपक्ष के नेता योगी सरकार पर जमकर बरस रहे हैं और इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अब अखिलेश यादव के इसी बयान पर पलटवार करते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने चुटकी ली है। रवि किशन ने कहा कि सपने हैं, सब देखते हैं। देखिए, ये सपना है और ये सपना सबको देखना चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा सपना देखिए। लेकिन मुझे अखिलेश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है? क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की आस्था है, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? तो क्या आप गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर बुलडोजर चलाकर हम हिंदुओं को या यहाँ के रहने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मेरा आपसे प्रश्न है, कृपया इसका आप जरूर जवाब दें। मैं उम्मीद करता हूँ अखिलेश जी क्लियर करें कि ये बुलडोजर आप किस पर चलाना चाहते हैं, क्यों आपने गोरखपुर चुना, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है आपसे अखिलेश। दरअसल अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि इसमें सीधे सीधे बीजेपी सरकार को चैलेंज देते हुए कहा गया था कि सपा सरकार आने पर गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उनके चुनावी परिणामों से प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान हैं, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है, समाज का हर वर्ग परेशान है। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अब अखिलेश और समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं की तरफ से आए ऐसे बयानों पर बीजेपी के नेता पलटवार करते दिख रहे हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।